आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश के हैं आसार, देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे होंगे हालात, देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो गुजरात यूपी सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने की है भविष्यवाणी। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मौसम विभाग ने गुजरात और दक्षिणी भारत और मध्य भारत में भारी बारिश की चेतावनी जताई है यानी चेतावनी यहां पर दी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 4 सितंबर से पूरे दक्षिणी भारत में बारिश का दौर शुरू होगा जो कि 5 सितंबर के मध्य भारत तक ये पहुंचेगा। गुजरात में साल सामान्य से 50-35 बार कम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया कि अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 2 सितंबर को कुछ इलाकों में बारिश यहां पर हुई है वही गुजरात क्षेत्र, और 3 सितंबर को यहां पर उत्तर प्रदेश गुजरात क्षेत्र और राजस्थान और हरियाणा में बारिश होगी। वही दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 4 सितंबर से बारिश का दौर लौटेगा। इसके अलावा कोंकण, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। वही 5 और 6 तारीख को कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में, और 6 सितंबर को यहां पर मध्य महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ पर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वजह से बारिश होगी। भाई 4 से 6 सितंबर के बीच मध्य भारत में सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वही छत्तीसगढ़ में 4 से 6 व कुछ इलाकों में 5 से 6 के दौरान अलग अलग जिलों में बारिश यहाँ पर होगी। हालांकि मध्य भारत में अधिकतर क्षेत्रों में 5 सितंबर को बारिश शुरू होगी। वही लोगों को राहत यहाँ पर मिलेगी। फिलहाल मध्य भारत में बारिश नहीं होने के कारण किसान भी यहाँ पर परेशान है। यहाँ का तापमान भी बढ़ रहा है। वही मौसम बदलने से सर्दी और जुकाम जैसी परेशानियां भी हो रही है। वही दिल्ली में कल और परसों यहां पर 2 दिन तक लगातार बारिश हुई है। लगभग 117 एमएम बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही भारी बारिश का यहां पर 19 साल का रिकॉर्ड भी टूट रहा था। यहां लगातार दूसरे दिन 100 एमएम से अधिक बारिश यहां पर दर्ज की गई है। वही भारी बारिश के चलते चाणकपुरी और दूतावास के इलाके और कनॉट प्लेस और वाणिज्यिक केंद्र सहित अन्य स्थानों पर घुटने तक पानी भर गया। यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 13 सितंबर 2002 को 126 एमएम बारिश हुई थी। यह सबसे अधिक यहां पर 172 एमएम बारिश 16 सितंबर 1963 को यहां पर हुई। उसके बाद ये बारिश यहां पर हुई है जिसने यहां पर 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बात करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की तो राजस्थान में मौसम विभाग ने 3 जिलों में जारी किया अलर्ट। पश्चिम राजस्थान में भी छाएंगे बादल। राजस्थान सहित लगभग पूरे देश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। वहीं राज्य की बात करें तो यहां 2 दिन में कई जिलों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान के सिरोही जिले और पश्चिमी राजस्थान के जालौर, पाली और बाड़मेर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश के 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में तीसरे दौर की बारिश का पहला मौका है जब मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहां अभी भी देखा जाए तो कोटा संभाग में अच्छी बारिश देखने को मिली है। वहीं राजधानी जयपुर के कुछ इलाकों में 2 दिन से लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज यहां पर अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि पूर्वी राजस्थान के अजमेर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और झुंझुनू, यहाँ पर प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और सीकर, टोंक, उदयपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और जैसलमेर और जालौर और यहाँ पर नागौर, पाली, श्रीगंगानगर में भी कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 3-4 दिन तक मौसम को लेकर कोई यहाँ पर चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं शुक्रवार को मानसून कमजोर होने की संभावना, यहाँ पर आज शाम तक यहाँ पर कुछ इलाकों में मानसून कमजोर होने की संभावना है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान के पक्षी यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगभग साफ रहेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि 6 से 10 सितंबर के बीच राजस्थान में मानसून फिर यहाँ पर सक्रिय होगा और अधिकतर इलाकों में फिर बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। यानी 6 से 10 सितंबर के बीच एक बार फिर राजस्थान में मानसून एक्टिव होने की संभावना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की तो मध्य प्रदेश में 3-4 दिन बाद लगेगी झमाझम की जड़ी। आज कई जिलों में है बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में सितंबर में भी बारिश का दौर यहां पर जारी रहने वाला है। वर्तमान में कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है लेकिन अरब सागर से आ रही नमी के चलते बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। वही 4 संभागों में यहां पर 9 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने और येलो अलर्ट यहाँ पर इसका जारी कर दिया गया है बिजली चमकने का। वही 4 दिन बाद यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी बारिश हो गई। वही मौसम विभाग ने 6 और 7 को भारी बारिश के आसार जताए। वही मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर को फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इसलिए 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसका प्रभाव 6 सितंबर से भोपाल समेत प्रदेश भर में अच्छी बारिश यहां पर से होगी। वही 7 और 8 को यहां पर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होगी। इससे यहां पर प्यासे कई जिलों को भी राहत मिलेगी। हालांकि सूखे की चपेट में आ चुके जबलपुर में भी बारिश की उम्मीद बहुत ही कम है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर और रतलाम समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है।
वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज रीवा, ग्वालियर और चंबल, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, सागर और जबलपुर, शहडोल और इन संभागों में यहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल इसके साथ बड़वानी और अलराजपुर, धार और जबुआ, अनूपपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा और सिवनी, सागर आदि जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की यहाँ पर संभावना है। वहीं आज इंदौर और भोपाल में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के मुताबिक देश भर में सितंबर में जो बारिश का मौसम है वो सामान्य से अधिक रहने की यहाँ पर संभावना है। वहीं अगस्त में सामान्य से 24% देश भर में कम बारिश हुई थी। वहीं सितंबर के महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या फिर सामान्य से अधिक बारिश होगी। वह अगले एक दो दिनों में दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यहाँ पर बिजली गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो हिमाचल प्रदेश में चार दिन मौसम साफ रहने की संभावना फिर रफ्तार पकड़ सकता है मानसून। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने आगामी यहाँ पर चार दिन तक राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने के संकेत दिए हैं। वहीं 6 और 7 सितंबर में राज्य में दोबारा मानसून सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि अब बारिश का क्रम यहाँ पर कम होता चला जाएगा। पिछले कुछ दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होते रहने के कारण मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। वहीं मानसून सामान्य तौर पर सामान्य के पहले यहाँ पर, मतलब जो मानसून है वो सामान्य तौर पर यहाँ पर सितंबर के पहले पखवाड़े तक रहता है। इसके बाद मानसून की वापसी होने लगती है। वहीं प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने से निचले इलाकों में, मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। वहीं कल यहां पर नाहन क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में 8 mm तक बारिश यहां पर हुई है। वहीं शिमला शहर में भी कल 8.4 mm बारिश यहां पर हुई है। वहीं IMD के विशेषज्ञों ने सितंबर में ज्यादा बारिश होने की संभावना यहां पर जताई है। वहीं 5 दिन बाद प्रदेश में बारिश का जो क्रम है वो लंबा भी हो सकता है। बीते दिनों पहाड़ों में हुए हल्के हिमपात के बाद प्रदेश के ऊंचाई में मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का एहसास होने लगा है। बारिश का क्रम जारी रहा तो सर्दी का मौसम भी जल्द दस्तक दे सकता है। अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की, तो बिहार के 23 जिलों में 24 घंटे नहीं हुई है बारिश। मानसून सीजन में भी बारिश नहीं होने से बढ़ रही है गर्मी। मानसून सीजन इस बार सूखा है। वही 24 घंटों में बिहार के 38 जिले यहां पर सूखे रहे। किसी भी जिले में बारिश से राहत नहीं मिली है। वही 23 जिलों में एक भी बूंद यहां पर बारिश नहीं हुई है, जबकि 15 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश नहीं होने के कारण गर्मी में यहां पर बढ़ोतरी हो रही है। दिन का तापमान में 1 से 2 डिग्री यहां पर बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार में हल्की बारिश यहां पर कुछ स्थानों पर हो सकती है। पर मौसम विभाग के मुताबिक जो मानसून की ट्रिप रेखा है वो पोरबंदर, सूरजगांव और जलगांव होते हुए पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर जा रही है, इसकी तरफ बढ़ रही है। वही एक ट्रिप रेखा पश्चिमी गुजरात से दक्षिणी पश्चिमी बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होकर गुजर रही है। इसी मौसम कारणों के कारण यहाँ पर मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वही 24 घंटों में दिन का तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि का भी पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया गया है। वहीं बिहार के 23 जिले ऐसे हैं जहां 24 घंटों में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है। इसमें यहां पर अररिया, कटिहार और खगड़िया, जमुई, बेगूसराय और मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, वैशाली और पूर्वी चंपारण, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर और गोपालगंज के साथ साथ अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ बारिश नहीं रिकॉर्ड की गई है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के पूर्वानुमान यहाँ पर जताया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम समाचारों की, तो छत्तीसगढ़ में 5 सितंबर के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। भारी बारिश के हैं आसार। बादों में मानसून की बेरुखी के कारण प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से कम बारिश अब तक हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी मैदानी इलाके वाले जिलों में यहां पर हो रही है। इन लोगों को यहां पर हो रही है। इन जिलों के किसानों के खेतों में खड़ी फसलें अब दम तोड़ने के कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं शहरी क्षेत्रों में बारिश नहीं होने के कारण बेतहाशा उमस से लोग परेशान रहे हैं। वही बारिश के मौसम में भी AC और कूलर यहां पर चलाना पड़ रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि सावन और भादो बारिश के लिए यहां पर किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन सावन में भी मानसून की बेरुखी देखने को छत्तीसगढ़ में मिली है। अब तक भादो में भी यही स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी उम्मीद यहाँ पर जताई है कि सितंबर के प्रथम और दूसरे सप्ताह में बारिश की उम्मीद है, क्योंकि अभी जो सिस्टम बना है उससे प्रदेश के अंदर बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी छत्तीसगढ़ उसके आसपास स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवर्ती घेरा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वही मानसून द्रोणिका बीकानेर, अजमेर, शिवपुरी में निम्न दबाव के केंद्र से विशाखापट्टनम, उसके बाद
यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इसी के कारण प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। वही प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कल यहाँ पर पिछले 24 घंटों में जिन जिलों में बारिश यहाँ पर हुई है सामान्य से कम, उनमें बिलोद में सामान्य से 36% कम हुई है, बीजापुर में 20% कम, दंतेवाड़ा में 21% इस बार कम बारिश हुई है। वहीं गरियाबाद में 20 और जसपुर में 28% कम बारिश यहाँ पर हुई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो यूपी के कई शहरों में गर्मी की तपिश तो कई जिलों में मूसलाधार बारिश का मौसम का अलर्ट। उत्तर प्रदेश का मौसम लगातार बदल रहा है। वही गुरुवार सुबह से मौसम यहां पर गर्म व तपिश की वजह से सभी लोग यहां पर परेशान है और बार बार यहां पर आसमान पर नजर रख रहे हैं। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि आज यहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने वाली है। यहां बारिश यहां पर तेज होगी, कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी, वही मौसम यहां पर बदल जाएगा। वैसे मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी में कुछ इलाकों में 4 सितंबर तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। वही मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज भी आपा झमाझम बारिश होगी। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद मेरठ में तेज बारिश के आसार है। वही मथुरा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। वही मथुरा और आसपास के इलाकों में यहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही आगरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, खोतली और नजीबाबाद, चांदपुर, हस्तिनापुर और शामली में 2 घंटे तेज बारिश का अलर्ट यहां पर जताया गया है। वही लखनऊ में मौसम कब यहां पर बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। वैसे ही दोपहर 2 बजे तापमान यहां पर कल 34 डिग्री यहां पर मापा गया है। वही लखनऊ में अधिकतम तापमान यहां पर 35 डिग्री यहां पर रहा था। वही न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा था कल।